लगभग 9 एकड़ दे 9 करोड़ 6 लाख दे विच तहसील कंपलैक्स बनूगा। पूरे पंजाब च पहले फेज दे विच 95 करोड़ की लागत नाल 18 तहसील कंपलैक्स बना रहे हैं, सब तहसील कंपलैक्स बना रहे हैं। इस तो बाद मैं चीमे जाऊंगा, चीमा मंडी, उत्थे सब तहसील कंपलैक्स का उद्घाटन करना है। और जदों ये मेरे को आइडिया आया तो मैं अफसर नाल गल की, मैं कहा भी हुण पैसे भावें तुसीं वध ला लो पर ये तहसील कंपलैक्स एक साल वास्ते जां आने वाले 2-4 साल वास्ते नहीं, आने वाले 30 साल वास्ते बनाउणा है। 5 मंजिला बनूगा जी, 5 मंजिला वर्ण कर रहा यार उन्ना ही, फिर मैं 5 मंजिला बनूगा। एसडीएम दा दफ्तर इत्थे होगा, डीएसपी दा दफ्तर इत्थे होगा, बिच्चे बीडीपीओ दा दफ्तर, सीडीपीओ, फर्द केंद्र इत्थे होणगे इक्को कंपलैक्स च, ते नाल ही उन्हां दी रहायश भी इत्थे होगी, उह रहणगे भी इत्थे। डीएसपी दी रहायश इत्थे होगी, एसडीएम दी रहायश, बहुत मॉडर्न बनावांगे कि इलाका जिहड़ा वह सेफ रहे। हुण जिस तरह चीमा साहब ने दस्सिया कदे किधर जाना पैंदा, कदे किधर जाना पैंदा, वह खज्जल खुआरियां बंद कर दे। सो दिड़बे नूं एक बहुत मॉडर्न किस्म की तहसील कंपलैक्स जिहड़ी है वह मिल रही है, चीमा मंडी नूं मिलेगी। अगली बारी लहरे वाले दी है, लहरे वाले बैठे। सो असीं चाहुंदे आ कि लोक आउण, इक्को दफ्तर इक्को छत थले उन्होंने काम हो जाए। ये ना हो तू उधर जा फिर उधर इधर नू आ फिर उधर जा, उत्थों फिर ना रिश्वत दे मौके पैदा हो जाते हैं। अलग है यार मेरे गेड़े घटा दे यार, वह कहना मैं करवा दूं आपकी काम, तू कल नू ले जी तू इन्ने दे दे बस, ये ना रिश्वत के मौके पैदा होंगे। इन्ने गेड़े मरवाद बंदा कह यार सदनों 100 रुपये ही दे दें यार, इतों पैदा होंगी है रिश्वत, जड़ा तो ही खत्म कर लिए अपना बस भी। इको दफ्तर चाहे इतने सारा कुछ हो गया, इतों ही बंदा गया अपने काम से, गया घरें, गया जिथे मर्जी। सारे पंजाब तहसीलां बनावांगे इदां दीआं।